काफी सारी हसीनाएं ऐसी हैं जिन्होंने बचपन में अपने करियर की शुरुआत की और आज के समय पर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को पॉपुलैरिटी में पीछे छोड़ देती है। आज हम आपको एक ऐसी ही टीवी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने श्रद्धा कपूर की बहन का किरदार निभाया लेकिन फिल्मों में फ्लॉप साबित हुई। दरअसल हम बात कर रहे हैं जन्नत जुबैर की। जन्नत जुबैर टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री है और आपको बता दें कि उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन सिर्फ 9 साल की उम्र में वह स्टार बन गई थी और अब सिर्फ 22 साल की उम्र में शाहरुख खान से लेकर ऐश्वर्या राय को पॉपुलैरिटी में पीछे छोड़ देती है। जन्नत जुबैर ने टीवी शो चांद के पार चलो से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फुलवा सीरियल से वह स्टार बन गई। बाद में उन्हें भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से लेकर तू आशिकी जैसे शोज में देखा गया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया जिसमें आगा, द वार्निंग से लेकर लव का द एंड भी शामिल है। लव का द एंड में उन्होंने श्रद्धा कपूर की बहन का किरदार निभाया था। जन्नत जुबैर को रानी मुखर्जी के साथ में हिचकी फिल्म में भी देखा जा चुका है। हालांकि उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अभी के समय पर एक्ट्रेस सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है और इंस्टाग्राम पर उनके 49.6 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, जबकि ऐश्वर्या राय के 14.2 और अमिताभ बच्चन के 37.5 मिलियन की फैन फॉलोइंग है। इससे पता चलता है कि जन्नत बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को भी फैन फॉलोइंग में मात दे रही है। खबरों के अनुसार वह इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के जरिए 1.5 लाख की कमाई कर लेती है। सिर्फ 22 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ 25 करोड़ की हो चुकी है। उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी है और आलीशान घर भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।